हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आसिफ अंसारी एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। गाइस, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरप्स। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है कटिंग लेंथ निकालने का सर्कुलर स्टीरप्स का, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन भी बताऊंगा जो अक्सर साइट पे की जाती है। तो हम दोनों लेंथ को कंपेयर करके देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना आता है और आप कौन सा फॉर्मूला प्रीफर करना चाहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है सर्कुलर कॉलम का क्रॉस सेक्शन, यानी इसको क्रॉस सेक्शन में काटेंगे कॉलम को तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये है आउटर सरफेस ऑफ द कॉलम, उसका डायमीटर है 500 mm, ये है वर्टिकल बार और ये है स्टीरप्स। तो स्टीरप्स के लिए हमें 8 mm का बार यूज करना है। ओके, और इसका जो क्लियर कवर है वो 40 mm दिया हुआ है। तो ये जो गिवन डाटा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहले गिवन डाटा जो कैपिटल डी ले रहा हूं वो ये हो जाएगा, कैपिटल डी 500 mm यानी कॉलम का डायमीटर। ओके, और यहां पे हमें क्लियर कवर दिया हुआ है 40 mm। ओके, और यहां पे हमें हुक लेंथ लेनी है, ये जो हुक लेंथ है, हुक लेंथ लेनी है हमें 10D, ये जो रहेगा डाया ऑफ बार रहेगा। ओके, अब यहां पे डाया ऑफ बार दिया हुआ है 8 mm। तो हमने गिवन डाटा लिख लिए, तो अब मैं आपको एक्चुअल थ्योरेटिकल फॉर्मूला बताने वाला हूं कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरप्स के लिए। कटिंग लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमें लेना है पाई डी प्लस 2 times ऑफ हुक लेंथ, फिर हमें माइनस करना है 2 times ऑफ 90° बेंड। तो ये है फॉर्मूला सर्कुलर स्टीरप्स का कि हमें यहां पे पाई डी लेना है, जो डी रहेगा वो डाया ऑफ बार नहीं रहेगा, ये जो डी रहेगा ये डायमीटर ऑफ द रिंग रहेगा, जो हम स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे उसका जो डायमीटर रहेगा जो मैंने यहां पे लिख के रखा है वो ये डी रहेगा। ओके, उसमें हमें प्लस करना है 2 times ऑफ हुक लेंथ, ये जो हुक दिया हुआ है ये 2 times है, इसलिए हम यहां पे 2 times ऑफ हुक लेंथ करेंगे। यहां पे हम फिर माइनस करेंगे 2 times ऑफ 90° बेंड, यानी कि जब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो बार है वो यहाँ पे आके ऐसी बेंड होती है, यानी ये 90° पे बेंड होती है, ना कि 135° पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज ये एक बार है, ओके, जब हम इसको 90° पे बेंड करते हैं 2 times ऑफ डाया खींचे जाती है, यानी वो इलोंगेट होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 2 times ऑफ 90° बेंड। तो हम इंडिविजुअली सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं और बाद में सारी वैल्यू को इस फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, तो पाई की वैल्यू हमें पता है, डी हम निकाल लेते हैं, डी कितना होता है, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डायमीटर ऑफ कॉलम है उसमें से हम टू टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस करेंगे, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। सपोज ये रिंग है, ओके, ये एक रिंग है, हमें यहां ये लेंथ चाहिए, यानी इसके बीच की लेंथ चाहिए, हाफ ऑफ द बार यहां से माइनस करेंगे, हाफ ऑफ द बार यहां से माइनस करेंगे, यानी दोनों मिला लेंगे तो 1 time ऑफ बार हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 1 time ऑफ बार भी माइनस करेंगे इसमें, तो इसकी लेंथ कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये 500 में से 2 times ऑफ क्लियर कवर माइनस करेंगे, क्लियर कवर है 40, और माइनस करेंगे 1 time डाया ऑफ बार है 8 mm का, यानी 4 minus इधर से करेंगे, 4 minus इधर से करेंगे, तो टोटल 8 mm हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे 8 mm माइनस कर दे रहा हूं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 412 mm। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। अभी हमें हुक लेंथ लेना है, हुक लेंथ के लिए हमें लेना है 10D, तो 10D, तो 10D क्या हो जाएगा, डाया ऑफ बार ये रहेगा, डाया ऑफ बार है 8, तो ये हो जाएगा 80 mm, और यहाँ पे माइनस 2 times ऑफ 90° बेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 90° बेंड रहता है तो हम उसको 2D लेते हैं, यानी 2 times ऑफ डाया ऑफ बार, यानी 8 डाया ऑफ बार है, तो ये हो जाएगा 16 mm। तो इस सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर निकालते हैं, ये हो जाएगा कटिंग लेंथ। ओके, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, ओके, इंटू डी जो हमने निकाले 412।
प्लस टू टाइम्स ऑफ हुक लेंथ, हुक लेंथ हमारा आया है 80 mm, माइनस टू टाइम्स ऑफ 90 डिग्री बैंड वो है 16 mm. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1421.68 mm. जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.42 मीटर. तो ये निकल गई कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरप्स. तो अब मैं आपको बताने वाला हूं रफ कैलकुलेशन जो अक्सर साइट पे की जाती है, जो सेकंड कैलकुलेशन रहेगा उसमें हम क्या करेंगे. सिंपली ये इस डी की वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, ये जो कॉलम का डायमीटर है उसमें हम डायरेक्टली टू टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस कर देंगे बस. तो ये 500 mm है, इसमें हम टू टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस करेंगे यानी 40 40 80. तो 500 में से 80 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 420. ओके, तो हमें डी मिल गया 420 mm. तो हम डायरेक्टली कटिंग लाइन कैसे निकालते हैं कि एल इक्वल टू हो जाएगा पाई डी प्लस टू टाइम्स ऑफ हुक लेंथ. बस ये फॉर्मूला रहेगा, यानी मोस्टली साइड पे हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. तो इसका हम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा. पाई की वैल्यू है 3.14, अभी जो हमने डी निकाले वो है 420 प्लस करेंगे टू टाइम्स ऑफ हुक, तो हुक लेंथ वही रहेगा जो हमने निकाले थे 80 mm. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा आता है 1478 mm. अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.48 मीटर. ये आंसर आ गया हमारा रफ कैलकुलेशन के जरिए. तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 60 mm का डिफरेंस आ रहा है, एक जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है उसके जरिए हमने निकाले और एक जो रफ कैलकुलेशन है उसके जरिए हमने निकाले. ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इतना आगे पीछे होते रहता है साइट पे. तो ज्यादातर साइट पे हम इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं. तो आप अपने साइट पे किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हमें कमेंट के जरिए बताएं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू. सो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली इन योर मोबाइल फोन. टिल देन कीप स्माइलिंग. थैंक यू.